लैपटॉप दे कवर से देख रहा लो चांद पूरी टिंड भारत दिलो आवे मिचे बड़े अमरूद है मिचे बड़े खरबूज है मिचे बड़े केले फुल ठंड बारिश इतनी हैवी हो गई है और ठंड बहुत ज्यादा ये मेरा हाथ देख लें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज स्कर्दू में हमारा तीसरा दिन है और हम आज कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इस टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी अफरा तफरी में निकलने लगे हैं देवसाई के लिए। हाँ, देवसाई के लिए हम निकल रहे हैं और हम एक ये छोटा सा बैग तीनों का है ना? हाँ, बाकी तीनों का ही एक छोटा बैग बनाया, बाकी सब कुछ इधर रहेगा क्योंकि प्लान ऐसे पटपट पटपट करके बना एकदम से। ये सारी गाड़ियाँ हमारे लिए खड़ी हैं और हम तीनों तैयार हो चुके हैं, बाकी सब भी तकरीबन तैयार हैं। हम निकल रहे हैं देवसाई के लिए। आज का पूरा दिन और रात हम देवसाई में गुजारेंगे। मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरत जगह है देवसाई। आ जाओ आ जाओ, आप भी हमारे साथ जा रहे हैं? जी ब्रदर, हमने भी आपका वो पैक गैंग ज्वाइन कर लिया। बाजी वाह। ये स्कर्दू से अगर आप देवसाई की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहला स्पॉट सतपारा लेक आएगा। ये मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लेक है। आप यहाँ रुक के व्यू पॉइंट बनाओ, आप यहाँ रुक के तसल्ली से देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं और फिर आगे की तरफ निकल सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लगाएं, थोड़ा सा टाइम यहाँ के लिए काफ़ी है। आते हुए हम पहले स्टॉप पर रुके हैं और ये हवाओं का सीन है। क्या सीन है भला जरा? जैकेट निकाल के पहनी है ना? क्यों, क्या नहीं पहनी? इन्होंने अभी जैकेट निकाल के पहनी है, मैंने अभी वही अपनी शर्ट ऊपर पहनी हुई है। अभी जरा हिम्मत कर रहे हैं, ज्यादा शक्तिमान ना बने, जैकेट पहन लो। हाँ, मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि पहन लूँ, इससे आगे जाके और ज्यादा ठंड हो जाएगी। मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं कि प्लेन्स शुरू होने लगे हैं पहाड़ों के दरमियान में मैदान। ये अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत और कुदरत है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ और उसके दरमियान में प्लेन मैदान, बड़ा खूबसूरत है। एक मिनट दोबारा दोबारा आप बोल जवाब। पहाड़ों के दरमियान में मैदान, अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत है कि जिसका कोई हद नहीं। और पाकिस्तान इस ये क्या हुआ अभी? मैं शेडो रोक रहा था। तू शेडो नहीं, तूने कैमरे के आगे हाथ रखा हुआ था यार। तू बोल ही जा रहा किसी, मैं समझ रहा नहीं, नई टेक्नोलॉजी होगी यार। तो हम अपना शुगल लगाते जा रहे हैं यहाँ पे और आगे अब देखते हैं। यार शरीफ बंदे की ना इस दुनिया में कोई जिंदगी नहीं है, ऐसे सामने हाथ रखा हुआ है, मैं समझ शायद उंगलियों के दरमियान से कोई फ्रेम दे रहा है मुझे। शुगलो शुगली काम चल रहा है और ठंडो ठंडी भी काम चल रहा है। आखिरकार हम देवसाई पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो इसके नाम के बारे में बात करते हैं। इसका नाम मुझे खुद बहुत पसंद है, देव मतलब जाइंट्स और साई मतलब साया शेडोज, तो इसे लैंड ऑफ जाइंट्स भी कहा जाता है। देवसाई बड़े हाई एल्टीट्यूड पर खूबसूरत प्लेट्यूज हैं, तकरीबन 3500 मीटर से लेके 5200 मीटर तक इसका एल्टीट्यूड है। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। अगर आप थोड़ा सा चलते हैं, वॉक करते हैं, क्योंकि ऊंचाई चढ़ाई तो है, तो आपकी सांसें आपस में लड़ जाती हैं। यहाँ पर तीन बड़े रिवर्स हैं, एक शतोंग नाला है जो यहाँ से पीछे हम उसे क्रॉस करके आ गए हैं। ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा पानी है और इससे आगे काला पानी है। ये तीनों दरिया देवसाई की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसमें से दरमियान वाला जो है मैंने आपको बताया था, उस वहीं पर हमारे ग्लैम्प्स लगे हुए हैं, वहीं पर हम रह रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इन दरियाओं में स्नो ट्राउट भी होती है, अगर आप फिशिंग करेंगे तो ज़रूर आपको वो भी मिल सकती है। खुद की खोज में निकल किस लिए आदर्श है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।
जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। देवसाई जन्नत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट कलर्स हैं। पहले मैं 2016 में आया था, मैंने पहले भी बताया, तब ग्रीन कलर था, और इस टाइम आप देख सकते हैं कि ब्राउन के कितने शेड्स हैं, गोल्डन है, और खूबसूरत लग रहा है इस टाइम। यहाँ हल्की हल्की मज़ेदार बारिश शुरू हो गई है, तो इनके शूट वगैरह चल रहे हैं, और यहाँ बड़ा बारिश का हैवी सीन है। अब थोड़ी हल्की हो गई, बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हुई थी, मज़ा आ रहा है, ठंड है ना यार। हसन, इसको देवसाई नेशनल पार्क क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, मतलब ये मैंने पढ़ा था यूनेस्को की वेबसाइट पे कि ना 1993 में पाकिस्तान ने इस सारे एरिया को ना देवसाई नेशनल पार्क के नाम से डेजिग्नेट कर दिया था, स्पेशली बियर्स के लिए, बियर्स हैबिटेट के लिए, कि ताकि वो यहाँ पे रहें और उनकी जो कह रहे फैमिली है वो ग्रो कर सके। बारिश इतनी हैवी हो गई है और ठंड बहुत ज़्यादा। ये मेरा हाथ देख लें, किस तरह लाल सुरख टमाटर हुआ पड़ा है, और मैंने एक और हुडी के ऊपर एक और जैकेट पहन ली है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, समझ नहीं आ रही, बारिश भी हो रही है। अच्छा, तो अभी हम बियर्स की बात कर रहे थे कि कितने फुल ठंड। ओए 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 ओए, ये तो फिर अंदर जाते रहे कैंप्स के अंदर, हमारे बाहर सुबह 6:30 बजे से कैंप के बाहर 1-2 डिग्री और बारिश भी नहीं रुक रही है ना, और अभी वो कह रहे हैं स्नोफॉल होने वाली, तो निकल जाए यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है। कितने बियर्स हैं यहाँ पे, अभी हम बात कर रहे थे बियर्स के बारे में। टोटल ये जो हिमालयन ब्राउन बियर्स हैं, टू देला हिमालयन ब्राउन बियर्स जो है, ये टोटल दुनिया के अंदर 115 हैं, जिनमें से 83 जो है वो देवसाई में। ये अभी यहाँ के लोगों ने हमें बताया, यहाँ के लोगों ने बताया कि मतलब पूरी दुनिया में जो 115 है वो 83 देवसाई में। तो उसको बहुत ज्यादा उन्होंने उनके ट्रैकर्स लगाए हुए हैं कानों में, या कहीं भी इंसर्ट किए हुए उनके जिस्म में, ताकि हर चीज उनकी ट्रैक उतरे, वो कहाँ फिर रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या चेंज हो रही है, और वो सारे हैं कि नहीं, काउंटिंग उनकी। बड़ी यूनिक चीज है ये, रखा हुआ उन्होंने बड़ा हिसाब किताब, फुल हिसाब किताब। साथ रखा हुआ।